नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था नीति आयोग के बारे में। आज बात करेंगे जनरल बैथीमेटिक चार्ट ऑफ द ओशंस के को देखेंगे। ठीक है, याद रखिए यह एक भूवैज्ञानिक एवं जल सर्वेक्षणों के आंकड़ों को इकट्ठित करता है। यूनेस्को यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन एंड इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। जियो साइंटिस्ट और हाइड्रोग्राफर्स की अंतर्राष्ट्रीय टीम के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है। GEBCO के कार्यों की बात करें तो दुनिया भर के महासागरों के विश्वसनीय बैथीमेटिक डेटा उपलब्ध कराना इसका कार्य है। वैश्विक बैथीमेटिक मॉडल को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रीय मैपिंग समूह के साथ सहयोग भी करता है। ओशंस बैथीमेट्रिक मेट्रिक के लिए वैज्ञानिक और हाइड्रोग्राफर्स की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित भी करता है। GEBCO नेपोन फाउंडेशन के साथ मिलकर सीवेड 2030 प्रोग्राम का संचालन कर रहा है। सीवेड 2030 प्रोग्राम में 2030 तक दुनिया के महासागरों के तटों की मैपिंग करना है। दुनिया के देशों की को नीतिगत निर्णय लेने, महासागरों के सतत इस्तेमाल और बैथीमेटिक डेटा पर आधारित वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये था आपका क्या GEBCO द जनरल बैथीमेटिक चार्ट ऑफ द ओशियन। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग को देखेंगे। ठीक है,